इस वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर मैं कोशिश यही करूंगा कि इसे मैं एक सिंपलेस्ट वे में समझा पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट। अब टाइम या समय की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से हुई, इसके बारे में बहुत से साइंटिफिक थ्योरीज मौजूद है जो अपने अपने तरीके से समय की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई इसके बारे में एक डिटेल्ड वे में बताते हैं। अब ये बस थ्योरीज है, एक्चुअल आंसर किसी के पास नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये थ्योरीज गलत है। पहली थ्योरी के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता रहा है, तो यही फैलाव के कारण हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। पर अब मान लो कि हमने इस ब्रह्मांड के फैलाव को रोक दिया है या पॉज कर दिया है। इसे एक वीडियो की तरह समझो। मान लो कि अभी वीडियो चल रहा है पर हमने इस वीडियो को रोक दिया है, और अब हम इस वीडियो को धीरे धीरे करके पीछे ले जाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का सीन दिखेगा। अब ऐसा करने से आपको ये ब्रह्मांड छोटा होता हुआ दिखाई देगा, और थोड़ी देर बाद ये एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाएगा कि ये ब्रह्मांड एक पॉइंट या बिंदु की तरह दिखाई देने लग जाएगा। आज से 13.8 बिलियन सालों पहले हमारा ब्रह्मांड कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, पर अब जब हमने इतनी सारी चीज़ों को एक बिंदु में कंप्रेस करके रखा हुआ है, एक ऐसे जगह में रखा हुआ है जहाँ पर इसकी डेंसिटी और टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब डेंसिटी और टेम्परेचर का मतलब मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ। डेंसिटी का बढ़ जाना का मतलब ये है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से चिपक कर बैठी हुई है एक छोटे से जगह में, और जब इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह में चिपक कर बैठी हुई है तो इसी कारण से इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब जब इसकी डेंसिटी और टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, इसी कारण से एक बहुत बड़ा धमाका होगा। इस धमाके को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और इसी थ्योरी की माने तो इसी समय सारी चीज़ें अपने अस्तित्व में आई थी। समय का अस्तित्व भी इसी से आया था। अब दूसरी थ्योरी पहली थ्योरी से ही रिलेटेड है, तो ट्राई करना कि दोनों थ्योरीज को आपस में रिलेट कर पाओ। पहली थ्योरी के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स एक पॉइंट से जन्म लिया और इसी के बाद से वो लगातार फैलना शुरू कर दिया था। पर दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये ब्रह्मांड हमेशा के लिए नहीं फैलेगा, एक ऐसा समय आएगा जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी के कारण आपस में एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। अब इस फुटेज में आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरीके से ग्रेविटी के कारण सारे के सारे बॉल्स आपस में एक दूसरे से चिपक रहे हैं, और यही सेम फिनोमिना हमारे बहुत बड़े ब्रह्मांड में भी होने लग जाएगा, और इस फिनोमिना को हम बिग क्रंच के नाम से जानते हैं। बिग क्रंच को आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा ब्रह्मांड अभी एग्जिस्ट कर रहा है, पर मान लो कि अभी वो रुक कर धीरे धीरे एक बिंदु में कन्वर्ट होता जा रहा है। एंड आई थिंक कि ज़्यादातर लोगों ने, जिन लोगों ने इस थ्योरी को पहले थ्योरी से रिलेट किया था, उनको ये पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो सुनो, सारे पार्टिकल्स जब एक छोटे से जगह में कंप्रेस हो गए हैं, एक बिंदु में कन्वर्ट हो गए हैं, तब इसी के चलते डेंसिटी और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से बिग बैंग होगा, और इस तरीके से सारे पार्टिकल्स फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। अब आगे की थ्योरी को एनिमेशन से समझो। मान लो कि एक पॉइंट से ब्रह्मांड ने जन्म लिया, और वो आगे चलकर बिग क्रंच के चलते धीरे धीरे वो फिर से एक पॉइंट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अब मान लो कि हमारा ब्रह्मांड कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये जो साइड में आपको एनिमेशन चलता दिख रहा है, वो हमारे ब्रह्मांड से, अभी के ब्रह्मांड से पहले का ब्रह्मांड है, और आपको साफ साफ ये नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से वो पॉइंट से बना और फिर पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। पर हो सकता है कि इसी पॉइंट से बिग बैंग के चलते हमारा ब्रह्मांड बना होगा। मतलब इस चीज़ को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि एक पॉइंट से एक ब्रह्मांड बना, फिर वही ब्रह्मांड एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, फिर वही पॉइंट से दूसरा ब्रह्मांड बना, और ये साइकिल दोनों साइडों में चलता जा रहा है। और इस चीज़ को आप नंबर लाइन से भी रिलेट कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको ये मानना होगा कि हर एक नंबर एक अलग अलग ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड दोनों साइडों में इन्फिनिट हो सकते हैं, और ये ब्रह्मांड एक एक करके मर रहे हैं और दूसरा ब्रह्मांड जन्म लेता जा रहा है, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो इस नंबर लाइन को देखकर क्या आप ये बता सकते हो कि कौन से ब्रह्मांड में समय का शुरुआत हुआ था, या क्या वाकई में समय का शुरुआत हुआ था, या फिर वो बस चलता जा रहा है? अगर ये थ्योरी सच हुई तो हम ये कभी भी नहीं जान पाएंगे कि पहले ब्रह्मांड से लेकर अब तक आखिर कितना समय बीत चुका होगा।
अब इस थ्योरी का कंक्लूजन यही है कि समय का कोई शुरुआत नहीं है, वो बस एक साइकिल की तरह चलता जा रहा है। तो पहली थ्योरी के हिसाब से हमने ये देखा कि समय एक पॉइंट या बिंदु से जन्म लिया था, और दूसरी थ्योरी के हिसाब से समय का कोई शुरुआत ही नहीं है। अब इन दोनों थ्योरीज के चलते हमारे पास अब बस दो सवाल रह गए हैं कि क्या समय का शुरुआत हुआ था या फिर वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, उसका कभी शुरुआत ही नहीं हुआ था। अब वैसे तो इंटरनेट पर आपको लाखों थ्योरीज मिल जाएंगे जो कि समय के शुरुआत के बारे में बताते हैं, पर मैंने उन्हीं थ्योरीज पर वीडियो बनाया जो मुझे सही लगा। तो हमारी ये वीडियो अभी यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ऑन कर देना, और ऑन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं जब भी कोई ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसीलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी ये अमेजिंग नॉलेज मिल सके। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।